Hi, this is Jimmy Sharma, and I'm basically from New Delhi, and I'm into acting. My debut film is coming in the name of Hangover, releasing probably by tomorrow, Friday. तो जिम्मी जाना चाहूंगा दिल्ली से आए यहाँ मुंबई में एक्टर बनने के लिए, बड़ा ख्वाब लेके आए हैं। तो ये जी ख्वाब कहाँ तक हकीकत हुआ है और क्या संघर्ष करना पड़ रहा है आपको इस ख्वाब को पूरा करने में? सर, अभी भी सपना ही लग रहा है। खैर, ख्वाब तो पूरा हुआ नहीं, क्योंकि जर्नी बहुत बड़ी है और स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मिल रही हैं। हाँ, बट लेकिन जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज़्यादा मिल रहा है, तो अभी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। तो सोच रहा हूँ और अच्छा मिले और बेहतरीन करूँ। और कैरियर की शुरुआत भी की है भांग ओवर से, बड़ा यूनिक नाम है। क्या है फिल्म और किस तरह से आपको ट्रीटमेंट मिला है इस फिल्म में? सारे पिक्चर एक्चुअली इसका नाम भांग ओवर है, थोड़ा डिफरेंट है। तो बेसिकली ये भांग ओवर नहीं है सर, ये भांग भसड़ है सर। सब भांग पी के भसड़ मची हुई है इस पिक्चर में। हम 5 लोग हैं, हमने कुछ भांग पी के ऐसे ऐसे कांड कर दिए। कोई आतंकवादी पकड़ लिए, किसी के चाचा को पीट दिया हमने, कहीं गांव में लड़के आ गए, तो ऐसे ऐसे करके कुछ है। तो सारे लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं और हम आगे आगे भाग रहे हैं और ये लोग हमारे पीछे पीछे भाग रहे हैं। पर भांगोर फिल्म सर, ये तो बिल्कुल मेरे को भी नहीं पता सर, ये रैंडमली मिल गई मेरे को। मेरा कोई ऐसा मोटो नहीं था कि ये फिल्म में एक्टिंग के पर्पज़ से जा रहा था मैं। जो महेंद्र सिंह डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, तो वो मेरे एक क्लोज़ फ्रेंड है, उनके वहाँ पर ही अपना प्रोजेक्ट लेकर गए थे। फिर उनको टीम चाहिए थी, तो उन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि मैं यंग था और मैं सीरियल वगैरह करता था। तो उन्होंने कहा कि मुझे सारा यंग टैलेंट चाहिए, तो तू हेल्प कर। तो मैंने एज अ कास्टिंग डायरेक्टर का रोल प्ले किया, क्योंकि आमतौर पर एक्टिंग करते करते हमें पता लग जाता है कौन सा एक्टर डिजर्व करता है कौन सा नहीं करता। तो जो मुझे लगता था हाँ ये मेरे से थोड़ा अच्छा कर रहा, तो मैं उसको अप्रोच कर देता था। तो ऐसे करते करते करता गया सर मैं। फिर लास्ट में एक कैरेक्टर बच गया जो इनके पिक्चर का सबसे स्ट्रांग कैरेक्टर था इन 5ों में, जो राम करके है कैरेक्टर, जो हरियाणा से बिलोंग करता है। तो उसके लिए इन्होंने जी सी ने स्टार खोज से एक जीता था, सैयद मैनन, तो उसको अप्रोच किया। और फिर उनके साथ इनका रिहर्सल होने लगी सारे एक्टरों की। तो मेरे को डायरेक्टर ने सामने से बोला कि तू भी एक बार ट्राई कर। तो सर मैंने लकीली उसको डिफ़ीट कर दिया, क्योंकि शायद मेरी नसीब में पिक्चर थी, मैंने उसको डिफ़ीट किया और उसके बाद मुझे ऐसी फिल्म मिली सर। तो ये कहना सर ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, बट मैं हाँ अपनी तरफ से मैं ये कहूँगा सर, मैं चाहे 5 हो चाहे 10 हो चाहे मैं अकेला हूँ सर, टैलेंट अपने ऊपर होता है सर। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो लोगों को अच्छा लगेगा, तो लोग ऑब्वियसली आपको अपनाएंगे। तो मेरे लिए फ़र्क नहीं पड़ता सर, 4 हो चाहे 40 हो, मैंने करना अकेले ही है सर। और मैं बिलीव करता हूँ मैंने अच्छा किया है। तो सर सी बींग एन ह्यूमन बींग सर, हमारी एक्सपेक्टेशन कभी ख़त्म ही नहीं होती। बट हाँ मैं यही कहूँगा कि इनिशियल लेवल पे शायद मुझे वो सपोर्ट नहीं मिला मेरी टीम से जो मुझे मिलना चाहिए था, क्योंकि मुझे अभी ऐसे इंडिविजुअली लगता है कि कहीं ना कहीं मैं अलग हूँ उन लोगों से। क्योंकि हो सकता है सर वो लोग बेहतर हो, कुछ है ऐसा, मतलब मुझे लगा कि थोड़ा सा ना लिटिल बिट ऐसा अवॉइड सा नहीं कर देते वैसा किया उन लोगों ने। बट कोई बात नहीं, मेरी तो बेस्ट विशेज है, हम लोग बात करते हैं बट देखते हैं, लेट्स सी सर। शिकायत सर ये है मेरे को कि मेरे खास तौर पे मेरे डायरेक्टर सर से, जब मैंने उनसे पूछा था कि सर प्रमोशंस का क्या हो रहा, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि तुम लोग नए लोग हो और क्या कहते हैं तुम्हें मार्केट एक्सेप्ट नहीं करती, तो तुम लोग को मैं ज़्यादा प्रमोशन पे लेके नहीं जा सकता, जिसका जो मेरा मन करेगा मैं उसको लेके जाऊँगा। तो ख़ास तौर पे वो लड़कियों को लेके जाते थे प्रमोशन पे। तो मैंने पूछा सर लड़कियों ही क्यों, लड़कियों को, लड़कियाँ भी तो नहीं है, क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं इन लोगों को? तो कहते कि मैं कहा जब लड़कों को नहीं कर रहे एक्सेप्ट तो लड़कियों को क्यों करेंगे एक्सेप्ट, वो भी तो नहीं है। तो कहते नहीं लड़कियों में ग्लैमरपन होता है सर। मैंने कहा हमें भी घाघरा चोली पहना दो, हम उनसे ज़्यादा ग्लैमर दिखा देंगे। बट वो बात माने नहीं मेरी। बट बाकी देखते हैं सर, मैं तो फ़र्क नहीं पड़ता सर कुछ भी लाइफ में, कि कोई कहाँ जा रहा है कोई कहाँ जा रहा है, जिसकी डेस्टिनी लिखी है। और हम लोग जज करने वाले नहीं है, जज करने वाली ऑडियंस है सर। ऑडियंस देखेगी उनको पता लग जाएगा सर कौन बेस्ट है कौन। सर मैं एटीट्यूड तो नहीं बोलूँगा हाँ, बट समहाउ बीइंग एन एक्टर मैं हर्ट हुआ बहुत, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली एक फैमिली है 5 लोगों की, उसमें आपको स्पेशली मतलब पिन पॉइंट किया जाता है और आपको ऐसा फील कराया जाता है कि नहीं यार यू आर नॉट डिजर्विंग सर। तो ऑब्वियसली फील होता ही है सर। बट एनी वेज मैं तो अपना ही मानता हूँ उन लोगों को, और वो मेरे साथ ही हैं, वो जो भी कर रहे हैं मेरी फिल्म के लिए कर रहे हैं, हमारी फिल्म के लिए कर रहे हैं, चाहे मैं हूँ चाहे मैं ना हूँ। हाँ सर मैं कदम उठाऊंगा उनके खिलाफ, अच्छा काम करके दिखाऊंगा और डायरेक्टर को गलत प्रूफ करके दिखाऊंगा कि उन्होंने बोला था कि यू आर नॉट डिजर्विंग, तो मैं उनको यही गलत प्रूफ करके दिखाऊंगा अच्छा काम करके। पता नहीं सकता सर, मेरे पास बहुत काम है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं अभी जनवरी है नए साल का स्टार्ट है सर, दोबारा मेहनत करूंगा। अभी हाल फिलहाल कुछ है नहीं ऐसा, तो मेहनत करूंगा। फिर सर जैसे भांग ओवर मिली तो कोई और ओवर मिल जाएगी सर।